गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? रूपा हाउस चैनल में आपका स्वागत है। तो आप जो ये दो कट्टे देख रहे हो, इसमें ना मैं गेहूं डाली और मेरे गेहूं में ना मिट्टी हो रही है, तो उन्हें साफ करने में बहुत टाइम लगता है। और मैं एक साथ ही ना ऐसे ऐसे ना चार पांच कट्टे डालूंगी, मतलब धुलूंगी, तो आप देखना मैं किस तरह से इनको धुल के साफ करती हूँ। ये देखो जीत लेके जा रहा है कि बच्चे ज्यादा बड़े बड़े उठा नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने ना छोटे छोटे ये कर दिया आधे आधे। तो मैं अपने गेहूं ना, ये हमारा कुआ है ट्यूबवेल, तो मैं इस अभी अभी लाइट जा चुकी है, तो मैं इसी पानी में ना इस कट्टों को डाल दूंगी, तो इसकी जो मिट्टी होगी वो फूल जाएगी। और 1 घंटा बाद इनको मैं निकाल लूंगी बाहर, तो इसमें डाल के ना हम 1 घंटे बाद निकाल के यहीं पर इसको रख देंगे, तो इसका पानी निकल जाएगा, फिर हम इसको धूप में फैला देंगे। तो देखिए अभी हम कैसे करते हैं। चलो जी डालो उसके अंदर। तो मैंने इसका मुंह ना टाइट करके बांध दिया ताकि गेहूं बाहर ना निकले। वाह, दूसरा भी डाल दो। ये भी करेंगे 2 मिनट में, आगे दिखाएंगे किसी को, वो अपने आप ना बैठ जाएगा। देखिए धीरे धीरे ना बैठना शुरू हो गया है इसमें। अब इनकी ना मिट्टी फूल जाएगी, तो इन्हें 1 घंटे बाद ना हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे धुलना ना इजी होता है, क्योंकि मैं एक साथ ना काफी सारे गेहूं धुल के इकट्ठा कर रही हूँ। बार बार मेरे से ना इतनी मिट्टी ना चुगी नहीं जाती और ना वैसे धुल पाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं छुट्टियों में आई हुई हूँ और काम भी है। वो तो देखो नीचे बैठ गए एकदम जाके। हाँ, जैसे टार्जन मूवी में ना उसकी गाड़ी जाती है ना, जीत बोल रहा है। तो जी देखिए लाइट तो आ गई है। ये हमारा ट्यूबवेल ना हमारे घेर में ही है, बाहर नहीं जाना पड़ता खेत वगैरह से। गाइस, ये मम्मी इस पे तेल लगा रहे हैं, क्योंकि मम्मी आज मुर्गा काटने वाली हैं और मुर्गा कटेगा, सब में बटेगा। तो गाइस देखो कितना बड़ा मुर्गा है। तो जी देखिए कितना बड़ा बड़ा लगे, इसका साइज देखिए। ये ना हमारे यहाँ तो पेड़ नहीं है, छोटी बहन के यहाँ से आया था, तो ये 2 दिन से आया हुआ है। और ना मुझे आज इसको काटने में ना इतना आलस आ रहा था, सोच रही हूँ आज तो काटना ही है भाई, ये रखे रखे ना पक जाएगा फिर। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे बाद ना मैंने गेहूं का कट्टा बाहर निकलवा दिया है। 1 कट्टा और है उसके अंदर, जल्दी निकालो। तो पकड़ो जीत। तो देखो दोनों कट्टे ना बाहर निकाल लिए। अब इनका ना इसमें से ना देखो पानी जा रहा है ना, ये पानी निकल जाएगा, फिर मैं इसको धूप में फैला दूंगी, तो ये आसानी से हो जाता है। दो चारपाई पे मैंने अपने गेहूं फैला दिए हैं, इनका पानी निकल गया था कट्टे में, तब मैंने इनको चारपाई पे डाला और कुछ नीचे भी डाली हूँ। तो दोपहर में ना एक दो बार मैं इसमें ना ऐसे हाथ निकाल दूंगी, तो ना सूख जाएंगे। देखिए रखे रखे भी ना काफ़ी सूख से गए हैं और धूप काफ़ी तेज है। तो मेरे गेहूं ना सूख गए, इनको मैंने 3 दिन की धूप लगाई और ये अच्छे से ना सूख चुका है। तो मैं अब गेहूं सूप में, हम लोग तो इसको छाछ बोलते हैं, मैं इसी से फटक के साफ कर लूँगी। और मैं ये गेहूं इसलिए एक बार सुखा ली क्योंकि अब तो हम गर्मी की छुट्टी में आए हुए थे, तो मैं काफ़ी सारे मतलब साफ कर ली हूँ।
टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं, बस इनमें एकदम सूप से फटका मार के ये इसका कूड़ा निकल जाएगा और ये साफ़ हो जाएंगे आटा पिसवाने के लिए। गेहूँ मेरे साफ हो गए हैं, मैंने आधा कट्टा गेहूँ साफ कर लिए, फटक लिए हैं, और उधर जो चरपाई पे है उसको तो मैं ऐसे ही कट्टे में भर लूँगी, फिर तब मुझे पिसवाना होगा, मैं तभी उसको फटकूँगी। तो गेहूँ मैंने इकट्ठा करके इस तरह से कुएं में धुल लिए, तो मुझे थोड़ी आसानी हो गई थी, हालांकि सुखाने में तो मुझे थोड़ी मेहनत पड़ी, 2-3 दिन तक मुझे इनको काफ़ी बार बार इसको मतलब हाथ से फैलाना पड़ रहा था धूप के में 2-3 बार। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और कमेंट कर कर बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।